हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस देख रहे थे, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के खूब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बहुत कम शॉर्ट टाइम पीरियड के होते हैं, सेकेंडों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं। कहता है, अ ट्री इंक्रीजेज एनुअली बाई 1/5 ऑफ इट्स हाइट। इफ इट्स हाइट टूडे इज 50 सेंटीमीटर, वाट विल बी द हाइट आफ्टर 2 ईयर्स। एक पेड़ सालाना अपनी ऊंचाई के 1/5 हिस्से से बढ़ता है। यदि आज इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए 2 टाइप के मेथड है। एक तो ये सिंपल मेथड है, इससे हम कर सकते हैं। दूसरा आपका, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस देख रहे हैं तो हम ये इस इजी मेथड को देखते हैं। तो देखिए क्या है कि हाइट जो है पर ईयर 1/5 ऑफ से बढ़ रही है, यानी कि करेंट ईयर में जितनी हाइट है उसके अगले साल नेक्स्ट ईयर उस हाइट का 1/5 इंक्रीज हो जा रहा है। तो क्या है कि वर्तमान में अभी 50 सेंटीमीटर है, तो एक साल बाद उसकी हाइट क्या हो जाएगी, तो वर्तमान की हाइट एक साल पहले की है, जो हाइट है 50 प्लस कितने से बढ़ रहा है, 1/5 से बढ़ रहा है। तो इस 50 का 1/5 यानी कितना हो जाएगा, 50 + 10 यानी 60 सेंटीमीटर। तो एक साल बाद हाइट कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर। अब अगले साल जब होगा तो अगले साल क्या होगा, अगले साल अब हम हाइट जो होगा वो हम एक साल पे जितनी हाइट है करंट हाइट यानी 60 सेंटीमीटर है एक साल बाद, तो एक साल बाद की जो हाइट होगी हम उस हाइट को लेंगे, ठीक है। तो इसे 60 + 60 × 1/5, 60 का 1/5 हिस्सा बढ़ेगा अगले साल, तो यानी 2 साल में कितनी हाइट हो जाएगी, 60 + 60 × 1/5 यानी 60 + ये कितना हो गया, 12, ठीक है। तो कितना हो गया, 72 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा, 72 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।